हेलो एवरीवन, मैं आपके मेंटर विजेता सिंह पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 के सेकंड चैप्टर यानी आपके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 4 है बुक के अकॉर्डिंग, लेकिन सिलेबस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकंड चैप्टर हम लोग ऑपरेट करेंगे सत्ता के नए केंद्र। फटाफट जुड़ जाइए, आप में से जितने बच्चे 12 के लिए है तैयारी कर रहे वो 12 के पर्पज से देखेंगे, और जो स्टूडेंट मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पैटर्न पे मांग रहे हैं इसके साथ मैं आपको कॉम्पिटिटिव पैटर्न भी दे रही हूँ। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया है, शीत युद्ध का खत्म होना, प्रथम वर्ल्ड वॉर और द्वितीय वर्ल्ड वॉर का खत्म होना, और वर्ल्ड वॉर के बाद जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुए तो पूरी दुनिया का जो बिखराव था यानी पूरी तरीके से आर्थिक रूप से सारे के सारे देश टूट चुके थे, और उसके बाद जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो विघटन के बाद पूरी दुनिया पे केवल एक ध्रुव ने एक ध्रुवीय राजनीति का उदय हुआ। इसके आगे जब एक ध्रुवीय राजनीति के उदय में हम लोगों ने अमरीकी वर्चस्व को पढ़ा है तो अमरीका कहीं ना कहीं तो अपने आप को प्रभावशाली बनाना चाहता होगा ना, तो अब यहाँ चैप्टर क्या बता रहा है आपका कि सत्ता के नए केंद्र यानी ऐसे और कौन से संगठन होंगे जो अब एक नई व्यवस्था को जन्म देंगे। तो यहाँ पे सत्ता किसके हाथ में जाएगी और कैसी ध्रुवीय राजनीति में जो एकदम पूर्ण रूप से अमेरिका का प्रभुत्व है उसको और कौन से देश नए आएंगे जो उसके विकल्प के रूप में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर, कनेक्ट होइए मेरे साथ फटाफट। 1990 के दशक के शुरू में विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। यानी जब भी कोई राजनीतिक उथल पुथल होती है तो वो क्या बताता है कि अब कोई और आर्थिक रूप से सत्ता नई सत्ता के विकल्प जरूर आएंगे। आर्थिक का मतलब कि केवल एक राजनीतिक में आपके पास दृष्टिकोण नहीं होगा, आर्थिक दृष्टिकोण भी बदलेगा समाज में, राजनीतिक भी बदलेगा, धार्मिक और सांस्कृतिक भी बदलाव आएगा। तो कहीं ना कहीं इन प्रभुत्व के लिए अब एक नई शक्ति के रूप में यूरोप में यूरोपीय संघ का उदय हुआ। यानी यूरोपीय संघ एक ऐसा समुदाय बनेगा जिसको हम लोग बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे, एक ऐसा संगठन बनेगा जो कहीं ना कहीं यूरोप के कई देशों से एक साथ मिलकर शुरू होगा, और एक अकेला जो पूरी दुनिया पे राज कर रहा था अमेरिका उसके लिए एक नई चेतावनी एक नए युग की तरफ मोटिवेट करेगा। आइए देखिए, दूसरी तरफ एशिया में दक्षिण पूर्व और एशियाई राष्ट्रों के संगठन में आसियान का उदय हुआ। यानी जो एशिया कॉन्टिनेंट है एकल यूरोप कॉन्टिनेंट है, यूरोपियन महाद्वीप है, तो यूरोपियन महाद्वीप में कई देश जो छोटे छोटे देश थे वो आपस में कई बार कॉन्फ्लिक्ट होता था, उनमें विवाद हो जाता था, बहुत सारे विवाद छोटी छोटी बातों पर वो झगड़े करते रहते थे, उन सबको वो खत्म करेंगे आपस में निपटारा करेंगे। तो यूरोप में जिसका उदय होगा उसको बोलेंगे यूरोपीय संघ, और एशिया में दक्षिणी पूर्वी एशिया जिसमें अभी हम लोग भी शामिल है इंडिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया और एशियाई राष्ट्रों के संगठन का नाम क्या होगा, आसियान का उदय होगा। अभी इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे। इसके अलावा जब रसिया टूटा तो साम्यवादी व्यवस्था रसिया की थी, तो रसिया के टूटने के बाद चाइना बिल्कुल दबने वाला नहीं था, और उसने जो ड्रामा किया पूरी दुनिया पे राज करने का वो कहीं ना कहीं एक ताकतवर देश की राजनीति का भी प्रभुत्व है। तो चीन के आर्थिक उभार ने विश्व राजनीति पर काफी नाटकीय प्रभाव डाला। अब यहाँ हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूरोपीय संघ का बोर्ड के एग्जाम में यूरोपीय संघ आसियान का उदय कौन कौन से देश है ये सारी चीजें आपको पढ़नी होगी। और 1978 के दिसंबर में डेंग क्सियाओपिंग ने ओपन डोर पॉलिसी चलाई जिसे मुफ्त द्वार की नीति भी कहा जाता है। ओपन डोर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा
किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा, मुक्त व्यापार या फिर ओपन लॉन्च की नीति चलाई, इसके बाद से चीन ने अद्भुत प्रगति और अगले सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा। ओपन डोर का मतलब क्या होता है कि उसे पूरे विश्व के साथ व्यापार करने है, छोटी से छोटी चीज सुई से लेके जहाज तक बनाना किसने स्टार्ट कर दिया था, खुद चाइना ने बनाना स्टार्ट कर दिया था। और वो हर एक कंट्री के, क्योंकि उसने उसकी जो मुद्रा थी उसको कहीं ना कहीं बहुत नीचे गिरा दिया था। डॉलर अपनी कीमत लगातार बाजार में उठा रहा था। डॉलर किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? अमेरिका का। अमेरिका की मुद्रा डॉलर, तो डॉलर एक तरफ अपने आप को भारी बहुत बड़े उसमें ले जा रहा था और सारा विश्व व्यापार कर रहा था उसे भी डॉलर में। दूसरी तरफ चाइना ने क्या किया, इन्होंने बहुत अच्छा ब्रेन खर्च किया अपना कि हम कैसे एक अच्छी उभरती हुई अर्थव्यवस्था बनेंगे। और आज भी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको ब्रीफ में कि कैसे चाइना पूरी दुनिया पे अभी राज करेगा। और आज की डेट में तो आप लोग को पता ही है कि चाइना और अमेरिका ट्रेड वॉर बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जब ओपन डोर पॉलिसी वो अपनाएगा तो वो अपनी मुद्रा को बिल्कुल डोमिनेट कर देगा, मुद्रा की वैल्यू गिरा देगा और उसके बाद वो जो भी प्रोडक्शन करेगा, मान लीजिए मेरे हाथ पे ये मार्कर है और मैंने इसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट मुझे 5 रुपए की आई, इस पे टैक्स लगा, इनडायरेक्ट टैक्स लगा, ड्यूटीज लगी तमाम, उसके बाद ये मुझे 7 रुपीज का आया, फिर भी अगर मैं किसी मार्केट में इसको 10 रुपीज का बेच दूँ तो ये मार्केट सस्ती हुई कि नहीं हुई। और आज के व्यापार में यही चल रहा है कि चाइना के प्रोडक्ट आप लोग देखते हो कि सबसे सस्ते पूरे बाजार में है और सबसे बड़े इकोनॉमी अगर कहीं पूरी दुनिया के ले जाते हैं ना तो उसने जो है फिर वो कौन है, तो चाइना इकलौती। और दूसरी तरफ एक और चीज से ध्यान दीजिएगा जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन आपको समझना है कि चाइना ने लोगों के खाने की तरफ बहुत तेज ध्यान दिया। अभी मोमोज के तो ऐसे आप लोग सारे दीवाने हो चुके हैं ना कि मोमोज और चाउमीन के बगैर तो सुबह ही नहीं होती और शाम ही नहीं होती। तो इवनिंग के जो मील, यानी उसने आपके टेस्ट को पकड़ा कि लोगों को कौन सा टेस्ट पसंद है। अगर वो पर डे केवल टेस्ट यानी फूडिंग से कमा रहा है तो कितनी बड़ी इकोनॉमी चाइना की तरफ जा रही है और इससे वो कितना बड़ा व्यापारी बनेगा और कितना बड़ा राजनीतिक प्रभुत्व होगा, ये अभी आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक आई होप कि ये चीजें स्पष्ट हुई। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी उथल पुथल थी जब ये सब कुछ चल रहा था। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था लगभग खत्म हो गई थी, या तो सब भारी संकट में थे या फिर उनके पास कोई विकल्प नहीं था कि वो फिर से कैसे अपना निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यूरोपीय संघ की भूमिका देखने को मिलेगी और अमेरिका जो ताकतवर शक्ति था बना हुआ उस समय वो पूरी तरीके से समर्थन करेगा। आप में से जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना एक बार ले लीजिए और मेरे साथ कनेक्ट रहिए आप लोग। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए जबरदस्त मदद की। अब देखिए अमेरिका चूंकि यूरोप को कहीं ना कहीं चाहता था कि यूरोप अपने अर्थव्यवस्था को फिर से संगठित करे और एक नए तरीके से सामने आए, इसके लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इस योजना का नाम पूछा जाता है, मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। जो अमेरिका ने पुनर्गठन में मदद की उस योजना का नाम क्या, तो मार्शल योजना, मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। और मार्शल योजना के तहत ही 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की है। तो आप लोग से पूछेगा कि मार्शल योजना कब लाई गई थी, एक नंबर के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन 1948 में, और इसने क्या किया था, तो आर्थिक सहयोग संगठन की भूमिका की स्थापना की गई थी जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई थी। यानी अमेरिका ने कहीं ना कहीं जो पश्चिमी खेमा था, जब हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़े थे तब आपको याद होगा मैंने बर्लिन के दो हिस्से बताए थे, जो
पूर्वी बर्लिन था वो साम्यवादी विचारधारा के साथ था, और जो पश्चिमी बर्लिन था वो अमेरिकी विचारधारा यानी पूंजीवादी विचारधारा के साथ था। तो ये वही पश्चिमी देश है जो कहीं ना कहीं पूंजीवादी देश को सपोर्ट करते हैं। और जब इनको वापस से पुनर्गठन करने की बात आई तो इनको आर्थिक मदद किस एक्ट से दिया गया, तो मार्शल योजना के तहत किसने फंडिंग की, अमेरिका ने फंडिंग की। कब स्थापना किया गया, 1948 में, और इसी उनके जो आर्थिक मदद पहुंचाई गई उन देशों ने अपना पुनः निर्माण स्टार्ट कर लिया। और इसके बाद जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोपीय देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद करनी शुरू की। अभी तक क्या हो रहा था कि जो पश्चिम के देश थे उनमें छोटी छोटी बातों पे विवाद था। मेरी कोई कंट्री कहती थी कि तुम मेरे हिस्से में नहीं आओगे, कोई कहती थी हम तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करेंगे। लेकिन अब जब जरूरत थी पूरे एकीकरण की कि कहीं ना कहीं अब तो एक ही बल की प्रभुत्वशाली देश बैठ गया था, वो अकेला का अकेला कौन है, अमेरिका। तो जब आपको किसी की ताकत से भिड़ना है तो पहले अपनी बॉडी सॉडी में कुछ पावर सावर बनाओगे कि ऐसे झूठे हड्डी का ढांचा लेके लड़ जाओगे। यहाँ भी यही हुआ। अब ये लोग सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट छोड़ छोड़ के क्या कर रहे थे कि अब विवाद नहीं करना है, सबको एक साथ आना होगा और एक अलग से हमें आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद करनी होगी। तो जितने भी छोटे छोटे देश थे वो सभी एक दूसरे से सारे विवाद भूलकर अब नए तरीके से मदद की शुरुआत कर देते हैं, और फिर एक नई आर्थिक योजना की शुरुआत होगी। 1949 की गठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अगला कदम साबित हुआ। अब देखिए एक नया यहाँ पे एक नया फिर से एक यूरोपीय संघ का संगठन बना, यूरोपीय परिषद। कब बनाया गया, 1949 में। एकदम माइंड में सेट हो रहा है आप लोग के, वन मार्क्स की क्वेश्चन है ये। इनमें क्या हुआ कि इन्होंने एक अपनी खुद की ग्रुप, खुद की ऑर्गेनाइजेशन, खुद की संगठन बनाना स्टार्ट कर दिए थे ताकि किसी भी तरीके से एक दूसरे को मदद करें और आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से दोनों में दबदबे की बात हो रही। क्योंकि एक तरफ हम लोग अभी देश देखेंगे, कुछ ऐसे देश थे जो खुद का प्रभुत्व दे रहे थे कि हम एक नई इकोनॉमी बन रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे संगठन, तो अभी हम संगठन डील कर रहे हैं पहले आप लोग को कि ऐसे कौन से संगठन है जो सत्ता के नए केंद्र बन रहे हैं। 1957 में यूरोपियन इकोनॉमी कम्युनिस्ट का गठन हुआ। अब देखिए 1957 में यूरोपियन इकोनॉमी कम्युनिस्ट का गठन, यानी इन्होंने क्या किया कि यूरोप की अपनी एक इकोनॉमी बनाई। और इकोनॉमी कैसी, कम्युनिस्ट का गठन, यूरोपियन पार्लियामेंट्री के गठन के बाद इस प्रक्रिया ने राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया। तो क्या हुआ कि यहाँ पे इन्होंने कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक डिमांड थी उस समय, पूरे मार्केट की डिमांड क्या थी, पैसा नहीं होगा तो कैसे कोई डेवलप करेगा। किसी भी कंट्री को अगर अपने आप को डेवलप करना है तो उसको क्या चाहिए, फंड चाहिए ना। तो वो आर्थिक स्थिति पे खुद को सुदृढ़ कर रहे थे, और जब किसी भी व्यवस्था के अंदर किसी की आर्थिक शक्ति पूर्ण रूप से सशक्त होगी, जितना किसी देश की आर्थिक शक्तिशाली होगा उतना ही उसकी राजनीति भी कुशलतम मानी जाएगी। कैसे समझोगे आप लोग, किताबों में ये सारी बातें लिखी हुई हैं, आप समझोगे कैसे। तो आज की डेट में पूरी दुनिया में आज भी कौन लीड कर रहा है, अमेरिका। क्यों लीड कर रहा है जरा बताइए। तो जितने भी संगठन है सबसे ज्यादा भागीदारी, अगर सबसे ज्यादा भागीदारी की बात आएगी नाटो से लेके हर जगह, आपको देखने को क्या मिलेगा कि पूर्ण रूप से कौन है, तो आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा सुदृढ़ आज भी अमेरिका। पिछला 9/11 की जो घटना, उसके बाद जिस तरह से अमेरिका ने लोगों को पनिश किया, उनके घरों में घुस घुस के ढूंढा, तो वो चीजें आपको क्या बता रही हैं कि अमेरिका कैसे प्रभुत्वशाली बना, क्योंकि उसने अपने आप को इकोनॉमिकली साउंड कर रखा है।
तो ये चीजें आपके ब्रेन में यहाँ पर सेट होनी चाहिए, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन, प्लस इनको 6 मार्क्स में आगे हम लोग कैसे डील करने वाले हैं। आगे अभी मैं यूरोपीय संघ का पूरा ब्रीफ आपको देने वाली हूँ, जो 6 नंबर के लिए क्वेश्चन है, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और कोई भी डाउट हो रहा है तो आप उसे पूछते जाए। देखिए यहाँ पे 1992 से इस प्रक्रिया की परिणति ये हुई कि यूरोपियन संघ की स्थापना हुई। अब यूरोपियन संघ की स्थापना क्या बता रही है कि यूरोप के कई सारे देश एक ग्रुप की फॉर्म में आएंगे, जिसमें आपका ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, बहुत सारे देश हैं, डेनमार्क है, ये सारे के सारे ग्रुप बनाएंगे यूरोपियन संघ के। अभी 27 मेंबर लगभग है, तो आप लोग को देखना है कि यहाँ पे ऐसा क्या बदलाव आएगा कि अब जो एक ध्रुवीयता, एक प्रभुत्वशाली शक्ति है अमेरिका, उसको कैसे एक ताकत के रूप में उभर कर कहीं ना कहीं यूरोपियन संघ एक चुनौती है। यूरोपियन संघ के रूप में समान विदेशी और सुरक्षा नीति, आर्थिक मामले तथा न्याय से जुड़े मुद्दों में सहयोग, एक समान मुद्रा के लिए रास्ता तैयार करना। यूरोपियन संघ ने क्या किया कि सबसे पहले खुद की मुद्रा यानी यूरो को सबसे पहले उन्होंने स्थापित किया, और जब उन्होंने अपनी मुद्रा बनाई, खुद की मुद्रा की स्थापना की, तो वहां पे कहीं ना कहीं उन्होंने खुद के झंडे का भी निर्माण किया कि उनका अपना झंडा होगा, उसका खुद का एक स्लोगन होगा, एक गाना होगा, और उसकी स्थापना दिवस। और जब कोई कंट्री खुद की मुद्रा बनाती है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो विदेश की राजनीति में, एक राजनीतिक परिदृश्य में अपने आप को काफी सशक्त दिखाती है। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी खुद की मुद्रा की स्थापना की, और जब वो इस तरीके से प्रभावपूर्ण तरीके से, हालांकि वो चाहते इसका संविधान बनाना भी थे, लेकिन इसका संविधान नहीं बन पाया, एक असफल रहा वहां पे, तो इस चीज को मैंने यहाँ आपको ब्रीफ दे दिया। अब यूरोपियन संघ के आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत ज्यादा जबरदस्त है, यानी इन्होंने तीनों चारों दृष्टिकोणों में अपना प्रभाव दिखाया। पहला एक आर्थिक ताकतवर बन के उभरेगा, दूसरा एक राजनीतिक विकल्प बन के अमेरिका के लिए कहीं ना कहीं जो एकमात्र शक्ति है उसके अगेंस्ट खड़ा होगा। कूटनीति में जब वो सभी देशों के सदस्य उसमें जाएंगे, संगठनों में मुख्य सदस्य, और दूसरा उनकी खुद की सेना, कितनी बड़ी सेना और कितना प्रभाव और परमाणु एनर्जी, जिससे दो पहले हमने ताकतवर देखे, दो ताकतवर महाशक्तियां देखी थी, एक तरफ USSR और दूसरी तरफ USA। अब यहाँ पे उसी सैनिक प्रभुत्व का कहीं ना कहीं एक वर्चस्व होगा यूरोपियन संघ का। 2016 में यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, 2016 कैसे बनी, इसका सकल घरेलू उत्पाद 17,000 अरब डॉलर से ज्यादा था, जो अमेरिका के ही लगभग है, यानी जितना एक तरफ अमेरिका प्रोड्यूस कर रहा था, अपनी खुद की अर्थव्यवस्था में जीडीपी में योगदान दे रहा था, उतना ही कहीं ना कहीं पूरे के पूरे जो जीडीपी था वो यूरोपियन नेशन ने भी अपने आप को, यूरोपियन संघ ने भी लगभग 17,000 अरब डॉलर, यहाँ डॉलर में कन्वर्ट क्यों बताया मैंने, चूंकि मुद्रा के रूप में उस समय सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कौन था, तो अमेरिका प्रभुत्व में था, और सारे के सारे लीगल ट्रांजेक्शन अमेरिकी मुद्रा यानी डॉलर को डिनोट करता है उसमें किया जाता था, तो आपकी बुक में ये डेटा है। और जब इन्होंने अपने आप को इतना सशक्त रखा तो राजनीति में पूरी खलबली कैसी मचती है, 6 नंबर के लिए है, बहुत ध्यान से देखेंगे, हर एक पॉइंट को आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बना 2016 में, तो कौन है, यूरोपियन संघ है, और यूरोपियन संघ का खुद का झंडा है, उसने अपने खुद के झंडे को और यूरोपियन फ्लैग का ना आपको बकायदा पिक्चर पूछी जाती है कि वहां पे बहुत सारे स्टार बने हुए, ब्लू कलर का एक बिल्कुल पैरामीटर दिया हुआ है बैकग्राउंड, और उसमें छोटे छोटे 27 देशों के स्टार बने हुए हैं,
आप लोग उसको देखेंगे, वो अलग से आपसे पिक्चर में पूछा जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, इसकी मुद्रा का नाम पूछा जाता है कि यूरोपियन संघ की मुद्रा यूरो, इसकी मुद्रा थी यूरो, अमेरिका डॉलर के प्रभुत्व के लिए अब खतरा बन चुकी थी, क्योंकि अभी तक तो इकलौती एक ही महाशक्ति है ना पूरी की पूरी दुनिया में, वो कौन है, अमेरिका। और अमेरिका कहीं ना कहीं डॉलर को पूरी दुनिया पे हावी था, लेकिन जैसे ही ये कंट्री यूरो लेके आएगी तो यूरो का व्यापार इतना बड़ा हो जाएगा कि कहीं ना कहीं वो अमेरिका के लिए खतरा बनता हुआ स्पष्ट दिखाई देता है। दूसरी तरफ विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी ज्यादा है, और इसी के चलते यह अमेरिका और चीन से व्यापारिक विवादों में पूरी धौंस के साथ बात करता है। अब यहाँ पे इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझेंगे आप लोग कि जब कोई भी कंट्री आर्थिक रूप से सशक्त होगी, जितना उसका आर्थिक पैरामीटर मजबूत होता है, वो राजनीति में भी उतनी ही कुशल योगदान हो जाता है, कुशल भूमिका में आता है। कैसे, क्योंकि उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या होगा, काफी साउंड हो जाता है, वो पॉलिटिकली स्ट्रांग होता है। हर एक देश में जो जितने भी ये सम्मेलन आज आप लोग सुनते हो, G20, G11, आसियान समझौता, देश समझौता, आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे भी, इनमें क्या दिखाया जाएगा कि जब आपकी मुद्रा, आपका वर्चस्व आर्थिक रूप से सशक्त होता है, तो आप कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी सशक्त भूमिका में आओगे, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आप सशक्त होंगे, सांस्कृतिक प्रभुत्व भी आपका बढ़ता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव इसके नजदीकी देशों पर ही नहीं, बल्कि एशिया और अफ्रीका के दूर दराज मुल्कों पर भी थे। व्यापार क्या होता है, धीरे 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 सारे महाद्वीपों में फैलता जाएगा, और जब हम लोग व्यापारिक एक दूसरे से अपने व्यापार कर जोड़ लेते हैं, इसको कैसे समझेंगे, तो आगे जब हम लोग वैश्वीकरण पढ़ते हैं कि पूरे विश्व की इकोनॉमी एक दूसरे से जोड़ती है, यहाँ पर भी यही हुआ कि धीरे धीरे एशिया में इनके बनाए हुए प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट थे वो एशिया में, अफ्रीका में, और जितने इनके राजनीतिक संबंध बढ़ेंगे उतने ही इनके आर्थिक संबंध भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ते जाएंगे, और आर्थिक मजबूती कहीं ना कहीं किसी भी देश की राजनीतिक मजबूती का एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण होता है। तो यूरोपियन संघ यहाँ काफी मजबूत स्थिति में आएगा और अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस वो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है। इसके अलावा कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए कई कॉन्फ्लिक्ट भी आए कि यूरोप के 2 बड़े देश थे ये ब्रिटेन और फ्रांस, आज भी ये आपको पता है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य की भूमिका में है। आगे हम लोग पढ़ेंगे सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से है, और यहाँ पे किस तरीके से यूरोपियन संघ जो ब्रिटेन, चूंकि आपको पता है कि पूरी दुनिया पे अगर किसी ने राज किया तो इकलौता ब्रिटेन ही था जिसने पूरी दुनिया की राजनीति पे कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व दिखाया। थे तो व्यापारी, लेकिन उन्होंने बनाया क्या है, तो ये सबको पता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं कॉलोनी बनाई या फिर उपनिवेशवाद जिसको हम लोग कहते हैं, तो ब्रिटेन का प्रभुत्व तो हर जगह सबसे ज्यादा है। दूसरा फ्रांस जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, और परमाणु परीक्षण में आज भी अगर बात करेंगे तो परमाणु में कहीं ना कहीं फ्रांस का बहुत बड़ा योगदान दिखाई दे रहा है, क्योंकि नाभिकीय एनर्जी और परमाणु हथियारों का युद्ध ये जो बहुत बड़ी पावर रही है। अभी जो यूक्रेन का होता है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे हैं, जो आज आप देख रहे हो कि रशिया और यूक्रेन का जो लगातार युद्ध आपको दिखाया जा रहा है, क्या है, मिसाइल बम्बारमेंट ही तो है एक तरीके से, कहीं ना कहीं राजनीति के मंच पे क्या है कि कौन सी कंट्री परमाणु हथियारों के जखीरों में कितनी मजबूत है, और नाटो का जो प्रतिनिधित्व करता है वो है यूक्रेन। नाटो आगे अभी हम लोग इसमें डील भी करेंगे, और इससे पीछे के लेक्चर में भी मैंने आपको नाटो की भूमिका बताई है।
तो कहीं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से भी आप लोगों के लिए बहुत ही ध्यान देने की बात है कि परमाणु हथियारों की भूमिका क्या महत्व रख रही है किसी भी राजनीति में। नेक्स्ट वन देखिए, यूरोपियन संघ के पास दूसरी सबसे बड़ी सेना, यानी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना अगर अमेरिका के बाद कोई बना के खड़ा था तो वो कौन सी देश है? वो यूरोपियन संघ ही थे जिन्होंने सबसे बड़ी सेना तैयार की थी, और कहीं ना कहीं ये अमेरिका के लिए एक चुनौती बनती हुई दिखाई दे रही थी। जब इन्होंने अपनी मुद्रा स्थापित की तो धीरे धीरे इन्होंने व्यापार के दृष्टिकोण को बढ़ा दिया, और इनको समझ आया कि अगर हम और सशक्त होना चाहते हैं तो हमें अपने सैनिक और परमाणु हथियारों की शक्ति को भी बढ़ाना होगा। दूसरा, अंतरिक्ष विज्ञान और संचार औद्योगिक के मामले में यूरोपियन संघ दूसरे स्थान पर है। कहीं ना कहीं अंतरिक्ष आज की डेट में आपको पता है टेक्नोलॉजी बहुत मैटर करती है कि किसी कंट्री की अगर टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है तो उस कंट्री का डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पे सोवियत संघ ने इन चीज़ों पर भी अपना कहीं ना कहीं प्रभुत्व स्थापित कर दिया, और इस तरीके से ये एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में, सत्ता के नए केंद्र के रूप में बहुत ही सशक्त और पावरफुल रहा यूरोपियन संघ। तो इस पे 6 नंबर का क्वेश्चन पूरी संभावना बोर्ड के लिए, जितने भी बोर्ड के बच्चे 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं कि यूरोपियन संघ कब स्थापित हुआ, क्यों स्थापित हुआ, उसकी भूमिका क्या है। तो यूरोपियन संघ आप लोग 6 मार्क के लिए तैयार करेंगे। आई होप एवरीथिंग क्लियर। इफ एनी डाउट यू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.